अपने घर में सोया हुआ था, जब सवेरे दरवाजा नहीं खुला तो परिजन जो है सीढ़ी लगा करके चढ़ के अंदर गए तो पता चला कि उसकी लाश पड़ी है और उसपे इलियास का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी से है। तो पूरे घटना का पर्दाफाश हुआ कि इसमें इलियास का भाई भी शामिल है। ये लोग आए घर में, उसकी हत्या किए और पीछे के रास्ते से फिर निकल गए। फेसबुक में भाई मोहब्बत और इसके बाद प्यार में पगलाई पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति को ही मरवा दो। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से हथियार बरामद करे हैं। पूरे अंधे कत्ल को खुलासा करे है। मामला है चित्रकूट को। इतने भरतकूप थाना क्षेत्र के फाटापुरवा गांव में बीते 18 फरवरी को रामबाबू नाम के व्यक्ति की ओई के घर में कमरे के भीतर खून से लथपथ लाश मिली थी। गोली मार के हत्या करी गई थी। मौके से 2 कारतूस बरामद भए थे, लेकिन तमंचा बरामद नहीं भयो तो परिजनन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। तो ये पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी और उसके बाद रामबाबू की पत्नी और उसके प्रेमी सहित हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लो। पुलिस के मुताबिक रामबाबू की पत्नी सविता को प्रेम प्रसंग बदोसा थाना क्षेत्र के टिकुरी पुरवा गांव के रविवारी इलियास खान से चल लो। तो कछु दिना पहले इलियास खान ने अपनी प्रेमिका सविता के संग एक फोटो फेसबुक पर लगा दी। इसके बाद मृतक रामबाबू ने अपनी पत्नी की फोटो देखी सो उन्हें इलियास खान की पिटाई कर दी। दोइन के मिलवे पे पाबंदी लगा दी और यही बात को लेकर आरोपी इलियास खान ने रामबाबू को रास्ता से हटावे के लाने प्रेमिका के संग मिलकर हत्या की साजिश रच दी। मौका देख के रामबाबू की पत्नी अपनी रिश्तेदारी में चली गई और घर रामबाबू अकेलो हतो। आरोपी इलियास खान ने अपने दोस्त फैजल और भाई बरकत अली के संग मिलके ललित किशोर नाम के व्यक्ति से अवैध तमंचा लाओ। फिर अपनी प्रेमिका सविता से उसके पति की लोकेशन लेके उसके घर पहुंच गए, पीछे के रास्ते से घुसे और सर में गोली मार के उखो मौत के घाट उतार दो। 18 फरवरी 2024 को प्रातःकाल ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो अपने घर में सोया हुआ था, जब सवेरे दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजन जो है सीढ़ी लगा करके चढ़ के अंदर गए तो पता चला कि उसकी लाश पड़ी है और उस पर गनशॉट मौजूद है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा लिखा और फिर इस घटना की तह में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तरीके हैं वो और परंपरागत मुखबिरी दोनों माध्यम से पता चला कि मृतक ने एक इलियास नाम के व्यक्ति की कुछ दिनों पहले पिटाई कर दी थी और उसने इसको जान से मारने की धमकी दी थी। जब इसकी तह में हम लोग गए तो हमारी टीम को ये पता चला कि इलियास का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी से है और उसने एक फ़ोटो उसके साथ सोशल मीडिया पे शेयर की थी। उसी आधार पे जब आगे बढ़े तो पूरे घटना का पर्दाफाश हुआ कि इसमें इलियास का भाई भी शामिल है और तमंचा प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। ये लोग आए घर में, उसकी हत्या किए और पीछे के रास्ते से फिर निकल गए। हमारी SOG की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना भरतपुर की टीम ने अपना जो जाल बिछाया था उसमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। आला कत्ल, तमंचा बरामद हो गया है। घटना का 100% खुलासा हो गया। मृतक की पत्नी की क्या भूमिका रही सर इस घटना में? मृतक की पत्नी ने ही ये लोकेशन शेयर की इन लोगों के साथ कि आज घर पर उसका पति अकेला है, परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं। तो सर इसको कुल प्रेम प्रसंग के चक्कर से हटाना चाह रहे थे इसलिए मार दिया या कि पीटा था इसलिए हत्या की इसकी? नहीं देखिए, अगर पत्नी भी उसमें शामिल है तो पीटना तो एक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जब ये पता चल गया कि सब खुलासा हो ही गया, पीट दिया, सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग में रास्ते से हटाना ही ज़्यादा मुफीद उद्देश्य दिख रहा है। फिलहाल पुलिस ने ही पूरे मामले को खुलासा कर दो है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जा एक बड़ी वारदात सामने आई है। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली, पोचार किलाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।